गुड मॉर्निंग सभी को राम राम गुड मॉर्निंग हैप्पी गुरु पूरब थोड़ी सी परेशानी हो गई लाइफ के अंदर कोई टेक्निकल एरर था इसीलिए थोड़ी सी क्लास लेट हो गई बहुत बहुत माफ़ी चाहते हैं आप सभी से कि थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार आप लोगों को करना पड़ा दस पंद्रह मिनट का बिल्कुल परेशान मत होइए जो भी क्वेश्चन की बात हुई थी वो सारे क्वेश्चन लाए जाएंगे ऐसे ही रिविजन कराया जाएगा सभी से बहुत बड़ी माफ़ी थोड़ा सा टेक्निकल एरर की वजह से क्लासेस डीले हो गई ठीक है कल से ऐसा नहीं होगा कल से 11 बजे जो हमारा फिक्स शेड्यूल है उसी समय हमारी क्लास को स्टार्ट कर दिया जाएगा सभी को हेलो कुरेशी साहब बलविंदर जी आर जी जागृति जी और भी जितने सारे स्टूडेंट्स हैं क्या है कि चैट्स बहुत ऊपर जा चुकी है मुझे माफ़ कर देना प्रभात जी प्रियंका जी करिश्मा जी सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और एक चीज़ याद रखिए कि दुखी नहीं होना है बस खुश रहना है लाइफ में दुख कुछ नहीं होता है दुख हमारी अपनी खोज है हमने ढूंढा है कि दुख कहां मिलता है हम उस दुकान पर जाके दुख ले आते हैं खरीद के हमें खुशी ढूंढनी है उसी दुकान पर मिल जाएगी तो खुशी ढूंढो दुख मत ढूंढो ठीक है अस्तित्व में रहो प्रेजेंट में रहो दुख तो हमारी अपनी खोज है ठीक है तो आईपीसी चालू करने वाले हैं आईपीसी चालू हो चुकी है कल की जो वीडियो थी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल गई होगी क्योंकि कल छुट्टी थी इलेक्शन की वजह से आज हम लोग क्या कर रहे हैं लाइव अब लाइव में हम लोग क्या करेंगे आईपीसी का ऐसा रिवीजन जो रिवीजन बाकी सब लोग नहीं करा रहे हैं कैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम भी लेके आ जाते पर मुझे पता था कि पांच सौ ग्यारह सेक्शन कई सारे स्टूडेंट्स के छूटे पड़े होंगे तो जिनको थोड़ा बहुत भी डिले हो गया एक महीना दो महीना किसी भी रीजन की वजह से तो हम ना क्या कर रहे हैं कि तीन पार्ट्स में आईपीसी को कवर करा दिया ये वो क्वेश्चंस नहीं है जो दिल्ली में पहले पूछे गए ये वो हमारी अपनी खोज है जो मैंने आपको बताया कि दुख जैसे अपनी खोज होती है ना वैसे ही क्वेश्चन हमारी खोज है तो इसके थ्रू मैं आपके पाँच सौ का रिविजन करा दूंगा कल आपके पाँच सौ पूरे भी हो जाएंगे और परसों दिल्ली के अंदर पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए उनको भी कवर करा दिया जाएगा तो आईपीसी ऐसे कवर हो गई उसके बाद सीपीसी सीआरपीसी संविधान ऐसे करके चालू कर देंगे फिर जो नए तीन सब्जेक्ट्स हैं जो लोग भी दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं वो भी कवर हो जाएगा बिना देरी के आप लोगों का समय लिए हम लोग क्या करते हैं पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब आज का एरिया आप लोगों को बता दूं कि एक से लेके दो के बीच आप लोगों को क्वेश्चन मिलने वाले हैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बी कमिट ने खो कनेडा कनाडा अब कैनेडा कनाडा कनेडा जो भी कहना है कह लो हत्या करने के लिए दुष्प्रेरण करता है ए कहता है बी को कि तू जा और कैनेडा में मर्डर कर दे तो ये जो हमारा ए है जिसके दिमाग की उपज हुई है उसके लिए फिर ये क्या होगा उसके लिए ऑफेंस क्या होगा अब आप बताइए चार ऑप्शन हैं आपके लिए कौन सा ऑफेंस कौन सा अपराध उस व्यक्ति ने किया है फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आंसर बहुत जल्दी आ जाना चाहिए क्योंकि ये आंसर बहुत बढ़िया है और बहुत आसान है और ऐसे ही क्वेश्चंस आईपीसी में बनते हैं इसीलिए रिवीजन है ये डीजेएस के क्वेश्चंस नहीं है ये रिवीजन के लिए करवाया जा रहा है कि आप लोग इस इस एरिया के थ्रू अपना डीजेएस की तैयारी कर सकते हैं आप राजस्थान दे हरियाणा दे एमपी दे सब इसमें आ जाएगा तो पहला क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स दे चुके हैं अबेटमेंट इन इंडिया इंडिया ऑफ ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड भारत के बाहर किए गए अपराधों के लिए भी दुष्प्रेरण अब एक तरीका आप लोगों को बता देता हूं कि जीवन में कभी भी एमसीक्यू सॉल्व करो अगर मुझसे कभी छूट जाए जल्दी जल्दी के अंदर तुम इस तरीके को अपना लेना यह तरीका बताऊं क्या होता है कि अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया है अगर वो कोई धारा से रिलेटेड है कोई सेक्शन से रिलेटेड है तो मन में आंसर देने के बाद में उस सेक्शन को जरूर याद कर लेना इससे तुम्हारा रिविजन इतना मजबूत हो जाएगा तुम्हें कोई परेशानी किसी सेक्शन में नहीं आएगी एक आदत डेवलप करनी पड़ेगी कि ये कौन सी धारा से है तो ये कौन सी धारा से है मेरे दोस्तों एक ए तो नहीं है ये क तो नहीं है तो ये अगर आपने कर लिया कि हर क्वेश्चन की रीजनिंग आप जान गए तो कोई क्वेश्चन आप लोगों के लिए टफ कभी नहीं होगा आप हर चीज़ का रीजन जानेंगे दैट्स व्हाट इज आस्क इन इंटरव्यू तो यही चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जाती है

और थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए बिल्कुल सही है ठीक है चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर अबेटमेंट शेल बी डीम टू ऑफेंस यानी कि यह माना जाए कि दुष्प्रेरक ने ही ऐसा अपराध किया है बिल्कुल सही आंसर है तो यहां पर यह ऑप्शन नहीं होगा ये ऑप्शन होगा बी ठीक है इसकी उपज कहां से हुई है कौन सी धारा से हुई है ये भी बता दीजिए स्टूडेंट्स सारे आंसर्स मैं बता दूंगा तो मैं एक एक जने का पेपर नहीं दूंगा मैं आप लोगों में से किसी एक का पेपर दे सकता हूं वो भी मुझे अलाउ नहीं करेगा हाईकोर्ट तो आप लोग अपने अपने आंसर्स के साथ में बिल्कुल धारा को भी बताते जाइए जैसे दक्षी जी ने बता दिया कि सर 114 में ये वाली बात करी गई है। Next question. यहां तक आप लोगों को हिंदी मिलेगी उसके बाद इंग्लिश है और यह याद रखिए डीजेएस हिंदी में नहीं होता है इंग्लिश में होता है फिर भी आप लोगों की हेवी डिमांड पे यह सारे क्वेश्चंस टीम हिंदी में भी फ्रेम कर रही है ताकि कोई बच्चा छूटे ना कोई लाइव में जुड़ गया है तो वो घर ना जाए ये सोच के कि शायद क्वेश्चन इंग्लिश में है मुझे समझ नहीं आएंगे मेरी हिंदी पे बहुत ज्यादा कमांड है तो आप बताइए इसका आंसर और आप लोगों की आरजेएस से पहले बहुत मजबूत तैयारी हो जाएगी डीजेएस का खत्म होते ही फिर हम एम और ये आरजेएस भी चालू करेंगे तो आरजेएस के सारे सब्जेक्ट्स का रिविजन साथ साथ क्वेश्चन तो इसका आंसर क्या है हूएवर अबिट्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस पब्लिक जनरली बाय एनी नंबर और पर्सन एक्ससीडिंग 10 इसमें एक सजा का प्रावधान है सजा का प्रावधान है तीन साल का ठीक है ए मुझे सेक्शंस भी लिख लिख के बता दीजिए मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग सेक्शंस सेक्शंस बताएंगे ठीक है 117 तो नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से हम फाइव ए चैप्टर पर आ चुके हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपराधिक षड्यंत्र कौन सी धारा में इसकी पनिशमेंट यानी कि अपराध के बारे में बता रखा है जल्दी अब इसमें तो धारा ही आंसर है तो धारा ही बतानी पड़ेगी आप लोगों को इसीलिए बोल रहा था कि इस तरीके से मजबूत हो जाती है तैयारी सिर्फ क्वेश्चन मार्क करके आगे मत जाइए उसकी रीजनिंग जानिए वो होती है असली तैयारी इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपराधिक षड्यंत्र की पनिशमेंट 120 बी बिल्कुल सही सी इज दी करेक्ट ऑप्शन अब गलती से कभी टिक यहां पे सी हो जाए और ए भी हो जाए तो प्लीज माफ कर देना जल्दी जल्दी के अंदर गलती मुझसे भी हो सकती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉन्स्पिरेसी की बात है फिर से आपराधिक षड्यंत्र की बात हो रही है वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारतीय सरकार के खिलाफ या विरोध अगर ऑफेंस होगा तो ये किस में आएगा और इसमें भी षड्यंत्र की बात करी जा रही है ये बताइए कौन सी धारा है इसका आंसर मैं सभी स्टूडेंट से चाहता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं इसे लाइव तो लाइव में मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर दे दें तो इसका आंसर है सिंपल सिंपल सा 121 ए यहीं से चालू हो रहा है ना हमारा ऑफेंस अगेंस्ट दी स्टेट तो इसका आंसर है बी ठीक है कॉन्स्पिरेसी टू कमिट वेज वॉर अगेंस्ट दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के विरुद्ध नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने अनलॉफुल असेंबली कंसिस्ट एक विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होती हैं कौन सी चीजें कौन से लोग कितने लोग ये नंबर से पूछा जाता है क्वेश्चन ऐसे आंसर इसका है 141 चलो मैंने धारा में तुम्हारी मदद कर दी सबकी अब आप मुझे ये बता दीजिए कि कितने लोग चाहिए अगर मुझे 141 की डेफिनेशन के अंदर आना है परिभाषा के अंदर आना है और अपने ऊपर अनलॉफुल असेंबली के चार्जेस फेम करवाने इसकी पनिशमेंट भी आपको एक में मिलेगी ठीक है बिल्कुल सही सिक्स का पांच और पांच से ज़्यादा लोग ए इज दी करेक्ट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में दो या दो से अधिक लोग अगर एक पब्लिक प्लेस पे एक सार्वजनिक स्थान पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तेरी गाड़ी मुझसे क्यों अड़ गई इस बात पे अगर दो लोग एक गाड़ी से निकले और आपस में झगड़ रहे हैं तो ये बता दीजिए कि पब्लिक पीस तो इससे डिस्टर्ब हो रहा है ट्रैफिक लाइट पे तो अब उन लोगों ने कौन सा अपराध कर दिया ऐसे ही मन गणत कहानियां बनाते जाइए और अपनी आईपीसी को मजबूत करते जाइए रायट बलवा अफरे दंगा तो सिंपल सी बात है अफरे इसका आंसर है है ना एफरे एफरे ही इज द करेक्ट ऑप्शन दंगा दंगा मतलब रायट मतलब दंगा नहीं होता मैंने यूट्यूब पे इसके लिए वीडियो भी डाली थी ठीक है बिल्कुल ठीक है दंगा डी इज दी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन यहां तक हिंदी है फिर इंग्लिश अ पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू स्टेट दी एक व्यक्ति जो कानूनी रूप से किसी भी लोक सेवक के सत्य कथन बताने के लिए बाध्य है ऐसा पब्लिक सर्वेंट जो बाउंड है कि वो सच ही बोले बट वो रिफ्यूज करता है यानी कि उसको सच बोले सामने वाले पब्लिक सर्वेंट को सच बोले पर वो रिफ्यूज कर देता है जब उससे क्वेश्चन पूछे जाते सामने वाले व्यक्ति से तो आपको एक पब्लिक सर्वेंट एक लोक सेवक को सच बोलना है वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा रायट और बल्व रायट और एफरे यानी कि बलवा और दंगे के बीच में अंतर इसका आंसर मुझे सारे स्टूडेंट्स दे दीजिए किस धारा के अंदर अगर कोई व्यक्ति से क्वेश्चन पूछा गया और उसने मना कर दिया और वो जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो सामने वाला व्यक्ति लोक सेवक था तो आपको एक ऑफेंस हो गया एक अपराध हो गया ये अपराध कहाँ आता है तो ये अपराध है ऐसे तो तीन सेक्शन इसके बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं उन तीनों में कन्फ्यूजन्स पैदा कर लेते हैं स्टूडेंट्स और बैरक प्लीज कोई भी मत खोलना वन सेवेंटी नाइन इज दी करेक्ट ऑप्शन सी बैरक मत खोलना टेस्ट चल रहा है तो टेस्ट में बैरक नहीं मिलेगी एग्जाम में सेक्शन एक सौ अट्ठासी वन एटी एट आई पी सी किससे रिलेटेड है बताइए सेक्शन वन डबल एट किस से रिलेटेड है इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा वो सारे चैप्टर्स जो वन टू से चालू होते हैं और वन एटी एट ए या आप सोचें तो उससे आगे तक जाते हैं अब आप बताइए कहाँ तक जाते हैं और वो जो सेक्शन है वो क्या बात करता है सेक्शन वन एटी एट सिंपल सी बात है Nineth का आंसर डी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। के द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा डिस ऐसे ऑर्डर की जो पब्लिक सर्वेंट ने प्रोमलिगेट किया है कॉजिंग डिसअपीरियंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रति छादित करने के लिए मिथ्या इतला देना फॉल्स इंफॉर्मेशन देना कि जस्ट बिकॉज मैं किसी को बचा लूं स्क्रीन कर लूं ऑफेंडर को और या फिर आप किसी साक्ष्य को छुपा दो कर दो, कि पर ऑफेंसेबल है या पे पनिशेबल है सिंपल सी बात है ये जो है ये हमारा आंसर है 201 सौ एक है ना बी नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश एक पर्सन हु हार्बर और कंसील एन ऑफेंडर एक व्यक्ति जो अपराधी को वेद दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से उसे संश्रय देता है या छुपाता है फ्रॉम लीगल पनिशमेंट इज पनिशेबल अंडर विथ सेक्शन चार ऑप्शन आईपीसी रिवाइज हो रही है तो हमें याद रखना है कि अगर हम क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो इसके बाद में सर का जो आज का पढ़ाया हुआ पार्ट है हम उसको रिवाइज करेंगे हमसे ऐसी गलती क्यों हो गई हम दिल पे ले लेंगे और इस दिल पे ली हुई चीज को आज ही हम दिल से हटा देंगे पढ़कर तो पढ़ना इसके बाद आईपीसी एक सौ सात से दो सौ अट्ठानवे इसी के क्वेश्चन से आज थोड़े दिन में आप लोग सब बिल्कुल रट लेंगे अच्छे से याद कर लेंगे बढ़िया हो जाएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद में पूरा पूरा आईपीसी का रिवीजन करा करेंगे हम तो सेक्शन सिंपल सी बात है आपको पता चलेगा कि किसी को हार्बर करना स्क्रीन करना ऑफेंडर को कि वो उसको पनिशमेंट ना मिले यह है 212 के अंदर डी नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन दो ए धारा 229 ट्वेंटी नाइन का को संबंध है किससे संबंध है से संबंध है बलविंदर जी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी कभी भी आर आके खड़ा हो जाएगा तब हमें लगेगा कि अब मैं इतने दिन में कैसे कर लूं तो जो दिन है तब कर लीजिए क्योंकि हर व्यक्ति तब तैयारी करेगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगी पर हमें उनसे अलग करना है हमें तैयारी उससे पहले करके रखनी है कभी भी तैयारी के एग्जाम की डेट आने के बाद तैयारी नहीं होती है पहले से तैयारी होती है सारे स्टूडेंट्स इस बात को याद रखें कि एग्जाम की नोटिफिकेशन आने से पहले आरजीएस की तैयारी कर लेना ए किससे बात कर रहा है एक व्यक्ति को बॉन्ड और बेल पे छुड़ाने के लिए जमानत या पत्र पर छोड़ दिए गए व्यक्ति को द्वारा न्यायालय से उपसंजात होने में विफलता इससे रिलेटेड है ठीक है तो 54 हमारा ये जो क्वेश्चन है 229 ट्वेंटी नाइन ए इज दी करेक्ट ऑप्शन या फिर ए इज दी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग सेक्शन पब्लिक न्यूसेंस लोक न्यूसेंस से परिभाषित करती है बताइए कौन सी धारा है कहां से ये चैप्टर चालू हो रहा है वही क्वेश्चन इसका वही ऑप्शन इसका आंसर है तो आप लोगों को पता चलेगा पब्लिक न्यूसेंस लोक न्यूसेंस कहां पर आती है कोई बात नहीं जितने स्टूडेंट्स ने जहां तक भी पढ़ाई करी है करते रहिए बस कंसिस्टेंट रहिए निरतर रही, रही अपनी तैयारी अपनी कोशिशों में सी इज करेक्ट ऑप्शन 268 नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आसान था ये वाला मेकिंग नॉक्सियस टू हेल्थ पनिशेबल अंडर विच वायुमंडल के स्वास्थ्य के लिए अप्याकर बनाना किसी धारा के तहत दंडनीय है कौन सी धाराए पचहत्तर छिहत्तर सतहत्तर अठहत्तर सेवनटी फाइव सेवनटी सिक्स सेवेंटी सेवन या टू सेवेंटी एट टू टू मैंने सबका मिस करा क्योंकि टू टू अब आप बताइए इसका आंसर क्या है इसका आंसर है टू सेवेंटी एट सिंपल सी बात है बस तुमसे है इतना कहना कि आंसर है टू सेवेंटी एट ठीक है 292 सेक्शन 292 एक बुक एक पेम्पलेट एक पेपर और एक राइटिंग पुस्तक पुस्तिका कागज और लेख के बारे में बता रही है जो कि रिलेटेड है अश्लील साहित्य से ऑप्शीन जो मैटर्स होते हैं उनसे तो क्या चीजें कंडीशन फुलफिल कर रही हैं सेक्शन 292 में किसी व्यक्ति को पनिशमेंट देने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए जब उसके ऊपर दो की धारा लगेगी अच्छा गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है भैया बंद कर दो बाकी मौसम बहुत खराब चल रहा है राजस्थान में भी जयपुर के अंदर अभी तो बहुत ज्यादा मौसम ऐसा है कि कभी भी बारिश हो सकती है अभी तो बूंदाबांदी चालू भी थी कहीं पार्ट्स में राजस्थान की बहुत बारिश हो रही है गुजरात में बहुत बारिश हो रही है दिल्ली में बारिश हो रही है तो कोशिश यही है कि जो बचे पार्ट्स हैं राजस्थान के वहाँ पर भी बारिश करा दी जाए तब सब एक जैसा हो जाएगा ना इक्वालिटी आ जाएगी ना हमारा आर्टिकल फोर्टीन यही कहता है ना संविधान का तो इसका आंसर बोथ ए एन बी तो ध्यान रखिए सर्दियों में सर्दियाँ चालू हो चुकी हैं और अनशन सर्दियाँ हो रही हैं बारिश हो रही है सर्दियों में खेती खराब हो रही है किसानों की अच्छा प्रियंका जी बारिश एमपी में भी हुई है मतलब राजस्थान के बॉर्डर्स पे और दूसरे स्टेट्स तक भी बारिश हो तो रही है जी जागृति जी बारिश सब जगह हो रही है हु एवर डज एनी ऑपसीन एक्ट एट एनी पब्लिक प्लेस गाना गाना रिसाइड करना अटर एनी ऑपसीन सॉन्ग ये कौन सी सेक्शन के अंदर आता है बताइए अगर कोई व्यक्ति अश्लील सॉन्ग गाता है गाना गाता है तो यहाँ पर क्या होगा अच्छा बलविंदर जी के गंगानगर में नहीं है बारिश आ जाएगी भेज रहे हैं बलविंदर जी यहां से बारिश भेज रहे हैं जयपुर में भी बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है 292, 293, 294, 295 चार ऑप्शंस आंसर इज 294 बिल्कुल सही सी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन अबेटिंग द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय द पब्लिक और मोर देन ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीलिंग विद द इंटेंट टू फैसिलेट डिजाइन ऑफ वेज वॉर युद्ध करने के लिए परिकल्पना को सुकर बनाने के लिए अभाव से छिपाना एक सौ बीस एक सौ इक्कीस एक सौ तेईस एक सौ छब्बीस 121 से चैप्टर चालू होता है 130 पे जाता है 121 ए से या कर से हमने क्वेश्चन बना दिया अब आप बताइए तो इसका आंसर है 123 सी इज दी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक हिंदी है फिर इंग्लिश यह आप रीड करिए फैक्चुअल क्वेश्चन है दिल्ली में भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं राजस्थान में भी पूछे जाते हैं ए के बारे में पूछा गया है ए को कौन से अपराध में दंडनीय करा जाएगा मतलब ए को पूरी नॉलेज थी जिस काम के लिए मैंने सामने वाले व्यक्ति को उकसाया है ठीक है उससे मृत्यु भी हो सकती है तो अब हमारे ए के बारे में पूछा जा रहा है कि उसके लिए क्या ऑप्शन होगा सी बता रहे हैं स्टूडेंट्स की सर मर्डर होगा एंड दैट इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही हत्या ही मानी जाएगी सी इज दी करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में भारतीय सिक्के और कूट ये का आयात या निर्यात करना किस धारा में दंडनीय है दो सौ सैंतीस दो सौ अड़तीस दो सौ उनचालीस या दो सौ चालीस क्या ऑप्शन लगता है आप लोगों को ये कॉइन वाला चैप्टर भी ऐसा मत सोचना कि इंपॉर्टेंट नहीं है इससे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेक्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट से दो सौ अड़तीस इज करेक्ट ऑप्शन बी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी पर्सन आर रिक्वायर टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है एक आपराधिक षड्यंत्र गठित करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है सिर्फ दो सिर्फ एक दो या दो से ज्यादा पांच या पांच से ज्यादा जल्दी से बता दीजिए ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कोई स्टूडेंट इसको तो गलत नहीं करेगा सब लोग इसको सही करेंगे सारे जितने भी लाइव व्यूअर्स हैं सब लोग भर भर के इस पे आंसर लिख दीजिए कि ये आंसर तो सर ऐसा है कि हम आग बंद करके भी टिक कर सकते हैं इक्कीस बिल्कुल सही सी इज दी करेक्ट ऑप्शन दो या दो से अधिक ठीक है इसीलिए इतना बड़ा सी बना रहा हूं बहुत क्वेश्चन आसान है ये ईच पर्सन ऑफ अनलॉफुल असेंबली विधि के विरुद्ध जमाव का प्रत्येक व्यक्ति अपराध कारित करने के लिए उत्तरदायी होगा यदि अपराध किया जाता है तो अब ये ईच पर्सन ऑफ अनलॉफुल असेंबली इस पे फोकस करना है ना विधि के विरुद्ध जो जमावड़ा हो रहा है कहते हैं ना राजस्थान में अरे काय का जमावड़ा कर रहे हो तो ये अगर कोई विधि के विरुद्ध जमावड़ा है तो आप बता दीजिए कि कॉमन इंटेंशन है कॉमन ऑब्जेक्ट है नॉलेज है या ऑफ नी अब है ज्ञान सामान्य उद्देश्य सामान्य आशय या कुछ भी नहीं सर तो ये जो जमावड़ा आप लोग करते हैं ना बाहर निकल के किसी चाय की दुकान पे वो लॉफुल होता है अनलॉफुल नहीं है वो विधि के विरुद्ध नहीं है अगर विधि के विरुद्ध करने लगोगे तो कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी अगर सामने वाले वकील को प्रूफ करना है तो जल्दी बता दीजिए सामान उद्देश्य से आए थे सर ये सारे लोग बी नेक्स्ट क्वेश्चन ये दो लाइन हिंदी की है उसके बाद इंग्लिश में तो रीड कर लीजिए कल आईपीसी का बचा जो एरिया है दो सौ से लेके हमारा मर्डर 511 तक कल इसका रिवीजन होगा पढ़ना बिल्कुल फोकस करके क्वेश्चंस लाए जाएंगे और उसके बाद वाले दिन यानी कि परसों दिल्ली में प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस आए हैं आज तक यानी कि लास्ट पेपर 2022 में हुआ था तब तक क्या क्वेश्चन है सारे लाके आपके सामने रख देंगे तो उसको भी अटेंड करना ऐसा नहीं उस दिन नहीं अटेंड करो आज तो बहुत सारे स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं तब नहीं करेंगे सर हमें क्या मतलब हम नहीं दे रहे हैं। जितने लोग दे भी नहीं रहे वो लोग भी अटेंड करिए देखिए कि किसी और स्टेट में क्या क्वेश्चन आईपीसी से बन जाते हैं इसका आंसर सारे स्टूडेंट्स कहीं लोग बी बता रहे हैं एक दो स्टूडेंट्स ने सी भी बताया है क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री का आंसर आप लोग बताएंगे तो इसका आंसर यही है कि ए कैन नॉट बी कंसीडर्ड टू बी मेंबर ऑफ लॉफुल असेंबली Hence, not तो उसने छोड़ दी उस असेंबली को अब उसने मना कर दिया अपनी इच्छा से कि अब मैं नहीं रहूंगा तो फिर सर वो कैसे अनलॉफुल असेंबली के अंदर लायबल होगा ठीक है तो आप लोग बी ऑप्शन नहीं कर सकते सी ऑप्शन करेंगे आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन एक व्यक्ति जो गिल्टी है रायट के लिए किसके लिए बलवे के लिए अपराध का दोषी है तो उसको कितनी सजा दी जाएगी 141 में जो पनिशमेंट है 143 के अंदर वो याद करिए उसके बाद में रायट की पनिशमेंट याद करिए एफरे की पनिशमेंट याद करिए अभी आपने 159 बताया तो 160 में क्या पनिशमेंट है वो भी याद रखना इसकी क्या पनिशमेंट है एक के अंदर फिर आप वो भी बताना ठीक है तो अब इसकी पनिशमेंट बता दो।, दो साल तीन साल पांच साल या सात साल ये ई है सेवन इयर्स तो इसका आंसर सिंपल सा है दो साल की पनिशमेंट है सर ए नेक्स्ट क्वेश्चन एक सौ अड़सठ वन सिक्सटी एट किस से रिलेटेड है ये धारा वन फोर्टी वन से एक सौ साठ पे तो एक चैप्टर खत्म हो गया पब्लिक ट्रांकलिटी वाला है ना आठवां चैप्टर अब ये है नाइन्थ चैप्टर से अब ये नाइन्थ चैप्टर में कुछ पांच सेक्शंस रिपील्ड है हटा दिए गए हैं अब अब चालू होता है 166 से ये चैप्टर अब आप बता दीजिए 171 तक यानी कि 166 से 171 के बीच में ये चैप्टर है ये किससे रिलेटेड है और ये एक और धारा आपका आंसर है अब ये कौन सा आंसर है तो सिंपल सी बात है ऐसा पब्लिक सर्वेंट ऐसा लोक सेवक जो विधि के विरुद्ध व्यापार करता है नहीं कर सकता है वो ऐसी नौकरी में इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पनिशमेंट ऑफ वॉलेंटरली ऑब्स्ट्रक्शन टू एनी पब्लिक सर्वेंट लोक सेवक के उसके लोक कृत्यो के लिए निर्वहन की स्वेच्छा से बाधा डालने की सजा का प्रावधान है एक सौ चौरासी पिचासी छियासी सत्यासी बस चार पांच क्वेश्चन और हैं ख़त्म होने वाला है उसके बाद में आप लोग फ्री हैं अपने बचे सेक्शन्स को रीड करने के लिए याद करने के लिए जो कल पूछा जाएगा तो देखिए बार बार आपकी पढ़ाई नहीं छूट रही है क्योंकि हम आपको एक टास्क देते हैं वो टास्क के लिए आप आज टेस्ट देने के लिए प्रेजेंट रहते हैं तो इस टास्क को पॉजिटिवली लीजिए कहीं घूमने जाना है तो पढ़ के जाइए या फिर पढ़ के आने के बाद घूम है ना घूम के आने के बाद पढ़ लीजिए पर हमेशा पढ़ के आइए फिर यहाँ पर टेस्ट में अटैम्प्ट करिए तो क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स है इसका सिंपल सिंपल आंसर आप लोगों के पास में है वॉल्ट्री ऑब्स्ट्रक्शन का तो फंड एटी सिक्स इज दी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां तक हिंदी है उसके बाद इंग्लिश है बहुत आसान क्वेश्चन है ये बस ये दिख रहा है कि फैक्चुअल है पर ये फैक्चुअल के अंदर भी बहुत आसान है सिंपल सिंपल सा आपका जो चैप्टर जहां से चालू हो रहा है वही आंसर है तो चैप्टराइजेशन भी याद रखनी है 191 नाइनटी वन इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ दिक्टिम ऑफ सेक्शुअल ऑफेंसिस यानी कि लैंगिक अपराधों से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण किस धारा के अंदर दंडनीय कर दिया गया है अट्ठाईस ए दो सौ अट्ठाइस दो सौ अट्ठाइस दो सौ उन्तीस या दो सौ तीस बताइए बिल्कुल सही गिविंग फॉल्स एविडेंस उसका आंसर था इसका आंसर बताइए किसके अंदर बलविंदर जी 201 नहीं 191 है 191 सब लोग याद रखिएगा कि यही है कि फॉल्स एविडेंस पे देना या कोई कानून कह रहा है या आपको जो साक्ष्य देने या जो एविडेंस देने वो सच ही देने फिर भी वो झूठ देता है दो ए इज द करेक्ट ऑप्शन ए है ना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा चीज इसके अंदर से कॉइंस के अंदर नहीं आती सिक्कों में नहीं आती बताइए कौन सी चीज सिक्कों के अंदर नहीं आती है कौडिया नहीं आती है अनस्टेम्प्ड कॉपर के जो लम्स होते हैं वो नहीं आती मेडल्स भी नहीं आते ऑल ऑफ दी सभी इज करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन मेलिंगनेट एक्ट परिद्वेश जिससे जीवन के लिए संकट पूर्ण रोग का संक्रमण फैलने का संभाव्य हो धारा के तहत दंडनीय है किस धारा के तहत दंडनीय है स्प्रेड इंफेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ त्तर बहत्तर चौहत्तर या छिहत्तर टू सेवेंटी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है चलिए ए इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन सेल ऑफ ऑप्शीन ऑब्जेक्ट्स टू यंग पर्सन अश्लील वस्तुओं का विक्रय से संबंधित है इक्यानवे तिरानवे पंचानवे टू नाइनटी वन टू नाइन्टी थ्री टू फाइव अश्लील वस्तुओं का विक्रय करना टू नाइन्टी थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन यहां तक हिंदी है फिर इंग्लिश टू नाइन्टी थ्री से ही है अब आपको बताना है कि इसमें कितने कम साल के बालक की बात करी गई है बालक भी क्यों कितने कम साल के व्यक्ति की बात करी गई है अट्ठारह से कम पच्चीस से कम इक्कीस से कम चौदह से कम तो जिसने क्वेश्चन या सेक्शन को रीड करा होगा थरो वो इनका आंसर बता देंगे दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं फिर आप लोग फ्री हैं आराम से जा सकते हैं जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए इक्कीस साल बिल्कुल सही है प्रियंका जी इक्कीस साल इज कीपिंग द लॉटरी ऑफिस इस पनिश्ड अंडर लॉटरी कार्यालय रखना किसके अधीन दंडनीय है कौन सी धारा के अधीन तो ये चैप्टर जहां खत्म हो रहा है वही आंसर है आपका इतना मैंने आपको लाइफलाइन दे दी कौन सी धारा के अधीन बिल्कुल सही तक्षी जी एज करेक्ट ऑप्शन 294 ए 294 क अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज़ का जो कोर्स है उत्कर्ष की तरफ से वो सिर्फ चौदह हजार में आप लोग खरीद सकते हैं एपीओ यानी कि असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर राजस्थान से संबंधित सिर्फ ग्यारह हजार रुपया कोर्स है और दोनों लाइव क्लासेस हैं जो जयपुर क्लासरूम में ऑफलाइन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वही लाइव क्लासेस ऑनलाइन में आप घर बैठ के देख सकते हैं साथ साथ आप फैकल्टी से बात कर सकते हैं अपने डाउट्स रख सकते हैं और यही जो था वो लास्ट पेज था यानी कि यही क्वेश्चन हमारा लास्ट था आज के टोटल थर्टी थ्री हम लोगों ने करे अब आप लोग देखिए कि आई की टेंशन नहीं लेनी बलविंदर जी ठीक है जो भी है रिवाइज करते रहिए आज हमने कितना पढ़ा 107 से लेके 298 तक का एरिया हमने कवर कर लिया है कल हमें करना है 299 से लेके जितनी भी आईपीसी है पांच तक उतना पढ़ना है रिवीजन ही करना है बहुत डिटेल में मत जाके आना बहुत टाइम लग जाएगा जिनने पहले छोड़ रखा है रिवीजन कर लो एक बार ऊपर ऊपर से देख लो आप लोगों को याद आ जाए उसके बाद में जब भी टाइम मिले तो डिटेल और थरो स्टडी वापस से आईपीसी की करिए कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगी कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है किसी को नहीं पता कब आने वाली है पर आपको इतना मानना चाहिए कि जब सारी स्टेट्स एक्टिव हो चुकी हैं तो राजस्थान पीछे नहीं रहेगा राजस्थान भी दे देगा अगर किसी इलेक्शन की वजह से वैकेंसी रह रही है तो इलेक्शन भी हो गए रिजल्ट आ जाएंगे सरकारें बन जाएगी हमारा उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है हमारा फायदा सिर्फ राजस्थान हाईकोर्ट कर सकता है आरजीएस दिला के तो आप लोगों को सिंपल सिंपल सा अभी जितना हो गया है उसके बाद में अब हम क्या करेंगे कल बचे हुए आईपीसी को और उसके बाद वाले दिन यानी कि परसों में हम डीजेएस में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए सब ला के रख देंगे उसमें आप लोग सॉल्व करना 2022 तक के सारे क्वेश्चंस होंगे अब आप कोशिश क्या कर रहे हैं आईपीसी पढ़ने की जैसे जैसे जो जो सब्जेक्ट्स बताता जाऊं उनका रिविजन करते रहो आपकी दूसरी स्टेट्स की भी तैयारी हो रही है आज थोड़ा सा लाइव में इशू हो गया था ठीक है कल से नहीं होगा ग्यारह बजे आप लोग लाइव आ जाइए सभी को धन्यवाद जुड़े रहने के लिए और कल मिलते हैं वापस से इसी टाइम पे 11 से 12 के बीच में